सुनीत भंगी और बुद्ध या सुनीत भंगी और बुद्ध। कई बार कई जो व्यूवर हैं उन्होंने कहा है कि आप सुनीत भंगी के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है क्योंकि सुनीत नाम का भंगी भगवान बुद्ध के समय है, तो इसका मतलब यह है कि भंगी जो लोग हैं वो भगवान बुद्ध के समय हैं। ये एक मिथक और एक कहानी, क्योंकि कहानी बिक बहुत रही है। कहानी इतनी ज्यादा बिक रही है यूट्यूब पे कि आप किसी बहुत बड़े महापुरुष के नाम से, जो सबसे ज्यादा चलता है पूरी दुनिया में, कैसी भी मिथक बना के कहानी आप डाल दो वो हिट हो जाती है। और आपने अगर यूट्यूब पे या फेसबुक पे कुछ पैसा देकर उसको प्रमोट किया है तो वो 4-5-6 लाख लोग उसको देख लेते हैं। आप प्रमोट ना करो तो अलग बात है, अगर आपने प्रमोट किया तो फिर यूट्यूब और फेसबुक उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको जबरदस्ती शेयर करते हैं, फेंकते हैं और लोग उसको देखते हैं। तो जितनी ज्यादा कहानी ऐसी होगी जो तथ्यों पर आधारित नहीं होगी, मनगढ़ंत होगी, झूठी होगी, उतनी ज्यादा चलती है। कहानी इस प्रकार है कि भगवान बुद्ध अपने भिक्खु संघ के साथ में जा रहे हैं, तो दूर कहीं कोई सुनीत नाम का जो युवक है वो वहां झाड़ू लगा रहा है, साफ कर रहा है, और वो भगवान बुद्ध को आता देख के छुप जाता है। भगवान बुद्ध आते हैं, उसको बुलाते हैं, वो झिझकता है, डरता है और डर के मारे हाथ बांधे हुए और बिल्कुल ऐसा जैसे मुजरिम हो उनके सामने पेश होता है। भगवान बुद्ध उसको कहते हैं कि आपको धम्म सीखना है, आप धम्म सीखो, तो वो थोड़ा संकुचाता है, बड़ा विषमकारी आंखों से देखता है कि मैं भंगी होके कैसे धम्म को सीखूंगा, भगवान आप क्या कह रहे हैं। फिर भगवान उसको भिक्खु संघ में शामिल करते हैं, उसको धम्म सिखाते हैं, उसका नाम सुनीत भंगी है, तो वो अर्हत हो जाता है और वो सुनीत भंगी अर्हत के नाम से जाना जाता है। और लोग बड़ी महिमा मंडित करते हैं कि देखो भगवान ने भंगी को धम्म सिखाया, सुनीत नाम के भंगी को धम्म सिखाया, और भी कहते हैं कि फलाने नाई को सिखाया, फलाने इसको सिखाया। तो ध्यान देना, आप किसी चमार को नहीं सिखाया, ध्यान देना आप भगवान ने किसी महार को नहीं सिखाया, ध्यान देना आप किसी लोधे को, किसी अहिर को नहीं सिखाया, ध्यान देना आप और भी इतनी ज्यादा है, 6,743 जातियां हैं, किसी और को नहीं सिखाया। अगर आपको ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है तो मैं विस्तार से आपको समझा देता हूं। सफाई का कोई काम नहीं था भगवान बुद्ध के समय में, यानी सफाई का रोजगार और पैसा ही नहीं था, क्योंकि सफाई करेगा किसकी। जो भगवान बुद्ध जहां रहते हैं कपिल वस्तु, वहां तो गड़ व्यवस्था है, सब अपना काम अपने आप करते हैं, और जो पसंजीत है वो दूर रह जाता है कौशल में, तो कौशल में रहता है तो उसका एक छोटा सा राज है, मगर लोहा तक तो है नहीं, लोहे का डाउट है कि लोहा था नहीं था, और सेनाएं तब तक बनी नहीं, सेना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई है बाद में, और कहीं कोई रजवाड़े नहीं है, कहीं कोई रोड नहीं है, कहीं कोई चौराया नहीं है, कहीं कोई आहाता नहीं है जिसको साफ करे, और कौन साफ करेगा। भगवान बुद्ध के संघ में जितने भिक्खु संघ हैं उनकी साफ सफाई के नियम विनय पीठक में है, वो खुद ही अपना जो मढ़ या विष्टा जो लैट्रिन या टट्टी जो भी थे खुद करते थे, खुद ही साफ करते थे, जहां भी जंगल में जाते थे, कोई ऐसे जितने भी स्थल हैं कोई ऐसे थे भी नहीं, कोई बीमार अपना कोई विष्टा करे तो अलग बात है, और सभी अपना झाड़ू लगाते थे। दरअसल इसको जो सफाई का काम है इसको सकेरन बोला जाता था, क्योंकि सफाई का काम तो था नहीं, तो सब सकेरन लेके आते थे, सकेरन या बहोरन, बहोरन माने होता था वृद्धि करना और सकेरन माने होता था साफ करना, और सकेरन से ही कूड़ा जो सकरठान बना हुआ है यानी कूड़े का ढेर बना हुआ है वो घूरा बोलते थे उसको, जहां वो सड़ता था और खेत में जाके पड़ता था। तो ऐसा कहीं कोई कूड़ा नहीं था क्योंकि कच्चे रास्ते थे, कच्चे रास्तों में तो साइडों में सब बारिश से हवा से या चलते चलते रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मुश्किल से बैलगाड़ी हुआ करती थी तो बैलगाड़ी अपना कच्चे में चला करती थी, कोई खरंजे वरंजे तो थे नहीं। तो जब कोई सफाई का काम नहीं, तो सफाई का कोई जात नहीं, तो सफाई के लोग कहां से आए। मगर सुनीत जो नाम है या सुनीत जो भंगी है, भंगी हो सकता है, क्योंकि भगवान बुद्ध जो विद्या सिखाते थे, जो जानकारी देते थे, वो होती थी अपने राग और द्वेष को, यानी अपने दुखों को और अपने जितने भी प्रकार के जो लोभ लालच हैं और जितनी प्रकार की ईर्ष्या है, या कभी ईर्ष्या कभी नहीं मोह मूर्ता है, मूर्खता है, उसको भंग करने की विद्या सिखाते थे। भंग का मतलब है खत्म होना, खंडित खंडित होना, टुकड़े टुकड़े होना। तो उसको भंग करने की जब अवस्था सिखाते थे और विद्या सिखाते थे, तो जो उस व्यक्ति सीख जाता था उसको कहते थे कि ये भंगवान हो गया, भंगी हो गया। भगवान बुद्ध यानी जो सिद्धार्थ गौतम थे, जब उन्होंने सबसे पहले वैशाख पूर्णिमा को अपने शरीर को भंग किया, अपने दुखों को भंग किया, तो पहले भंगी बने वो, दुनिया के पहले भंगी। और बाद में जो लोग अर्हत होते गए वो उनके बाद में भंगी बनते चले गए,
तो भंग ज्ञान की अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है, यानी कि जो भंग ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो भंगी होता है। तो अगर भंगी होता है तो सुमित को भंगी इस तरह से बोला जा सकता है। मगर सुनित का एक बात ध्यान दीजिए कि अर्थ जब भगवान बुद्ध किसी को भिक्षु संघ में शामिल करते थे तो उसकी सारी चीज खत्म हो जाती थी, जातियां तो थी नहीं उन दिनों। तो जो वर्ण है, वर्ण का मतलब है रंग, या तो उसका अश्वेत है यानी सफेद रंग है जिसको बोलते हैं श्वेत वर्ण, या बोलते हैं अश्वेत, या है उसका सुवर्ण है यानी कि जिसका हिरण जैसा रंग है, जिसका सोने जैसा रंग है, सुवर्ण है जो भारत के काले लोग हैं, या संकर वर्ण है यानी दोनों कलर से, दोनों रंगों से मिक्स हुआ, क्योंकि वर्ण का मतलब कलर होता है, रंग होता है। तो या तो सोने जैसा रंग है जो भारत का है, या सफेद रंग है बिल्कुल जो बाहर का है, और या उन दोनों का मिला जुला रंग है जिसको संकर रंग बोलते हैं, संकर वर्ण बोलते हैं। तो जाति तो थी नहीं। फिर वो जातियां बोलते हैं जन्म को, यानी हर एक आदमी का जो जन्म होता है उसको जात बोलते हैं, जाति बोलते हैं। जाति दुखा, जरा दुखा, मरण दुखा, व्याधि दुखा, यानी जन्म देना दुख है, मरना दुख है, व्याधि दुख है, बीमारी दुख है, बुढ़ापा दुख है, ऐसा करके वो बताते हैं। तो वहां जात का वर्णन आता है, जाति का आता है। उस सेंस में हर एक प्राणी की जाति होती है, चाहे वो चींटी है, चाहे वो कोई चींटा है, या कोई मच्छर है, या कोई छोटा कीट है, या बड़ा है, या हाथी है, सबका एक जन्म होता है, जन्म को जात बोलते हैं। तो जब भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ में आता है आदमी, तो उसका वर्ण भी खत्म हो जाता है, उसका गोत्र भी खत्म हो जाता है। गोत्र का मतलब है उसके कुल का नाम, वो भी खत्म हो जाता है, और उसका नाम भी खत्म हो जाता है, यानी पुराना नाम वो ले लेते हैं, नया नाम वो देते हैं। वो बाल नहीं रख सकता, कपड़े भी एक से पहनेगा, क्योंकि समानता सब में रहनी है। और जो पहले आया वो बड़ा भिक्खु, जो बाद में आया वो छोटा भिक्खु होता है। तो वहां एज जो होती है वो शिक्षा से होती है, कि तब आपने दाखिल लिया तब से एज हो गई। तो ये बात बिल्कुल क्लियर कर दें कि सुमित सफाई का काम नहीं कर रहा। जो लोगों ने इस पर किताब छापी है या जो लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, वो दोबारा से सोचें, अच्छी तरह से सोचें, क्योंकि सुनित अगर भंगी है तो हरिजन शब्द नहीं है वहां पे, और वाल्मीकि शब्द नहीं है, लाल बेगी शब्द नहीं है, लाल बेगी शब्द बहुत बाद में बना है, हेला शब्द नहीं है, हेला पाली के शब्द हैं, लाल बेगी का मतलब है लाल बेगमी, ये पंजाब के अंदर शब्द डेवलप हुआ है जो भिक्षुओं के लिए है। और इसके अलावा जो और जाति आज के समय है उसका तो वहां जिक्र नहीं है। चमार एक प्रमुख शब्द है जो पूरे भारत में मिलता है, मगर चमार शब्द का कोई बंदा वहां नहीं है, एक जिक्र तक नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि चमार कोई धम्म को सीखा नहीं, या चमार कोई धम्म में आया नहीं? चमार समण लोग हैं, भारत के लोग हैं, जो कुशवाहा है, जो साक्य हैं, जो और लोग हैं, उनकी जाति का कहीं जिक्र नहीं है कि वो जाति से आए, क्योंकि जातियां तो वहां थी ही नहीं, उनके गोत्र हैं, जातियां बाद में बनी हैं। इसलिए चीवर से चमार बना है शब्द, क्योंकि चीवर बहुत हुआ करता था और चीवरधारी लोग बहुत थे। तो साहित्य में अचानक से चीवर शब्द गायब हो गया, चीवर यानी चादर, और उसका चमार शब्द बन गया। अभी का है चमार शब्द, ज्यादा पुराना नहीं है, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि अगर भगवान बुद्ध के समय में जातियों के आधार पर कहीं दीक्षा होती, दीक्षा होती, पढ़ाई होती, या भिक्खु बनते, तो सारी जातियों का कहीं ना कहीं जिक्र मिलता नहीं है, इसको क्लियर रखिए। इसलिए भ्रांति मिटा दीजिए, सुनित समण है, यहीं का है, भारत का है, मूल निवासी है। सफाई का पेशा बहुत बाद में आया है, सफाई वाले लोग सफाई के पेशे से पहले क्या करते थे ये वो बताएंगे जो उनकी आज की डेट में समस्या को देख रहे हैं। ये जो चमार शब्द है ये अचानक कहाँ से आ गया, और भगवान बुद्ध के समय में चमार शब्द कहाँ चला गया था, ये चीवर वाले सारे चमार बीच में कैसे बन गए, ये वो लोग देखें जो उनका ध्यान रखते हैं और उनकी बात को आगे बढ़ा के पढ़ के लिख के देखते हैं कि उन्हें समझना चाहिए कि ये शब्द कहाँ है। महार शब्द एक भी नहीं है, महार का मतलब मैं हार भी हो सकता है और महाहार भी हो सकता है, बहुत सारे जिक्र हैं उसके अंदर, मगर महार शब्द सारे नागवंशी लोग हैं, चमार नागवंशी लोग हैं, जो जिनको आज की डेट में हरिजन या वाल्मीकि बोलते हैं या लाल बेगी बोलते हैं, वो सारे के सारे समण लोग हैं, नागवंशी लोग हैं। ये नागों का पूरा पूरा भारत रहा है जो सुर से लेकर आखिर तक मिलता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि कोई भंगी जाति का कोई बंदा जिसका नाम सुनित है वो भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ में शामिल हुआ, और भगवान की बड़ी करुणा और बड़ी कंपा थी, क्योंकि भगवान ने भंगी को भी दिखा दिया। भगवान ने किसी हरिजन को, किसी जाति को, क्योंकि जाति थी नहीं, उन्होंने समण समाज के लोगों को दिया, सारे ही समण समाज के लोग थे, जातियां उस समय थी ही नहीं। धन्यवाद। बाबू, ये बाबू का करैक्टर मुझे बहुत ज्यादा याद रहता है। वैसे तो बाबू जो शब्द है वो जो भारत के लोगों में बदबू आती थी, तो अंग्रेज लोग कहते थे बादबू, बादबू, यानी कि जो सरकारी
क्षेत्र में काम करते थे उनके नीचे, जो यहाँ सरकार चलती थी अंग्रेजों की, तो उसके नीचे जो क्लर्क हुआ करते थे उनमें से बदबू आती थी तो उसको कहते थे बदबू, तो वो बाद में बदबू से बाबू हो गया। यानी बाबू को बोलते हैं जिसमें से बदबू आ रही है, ये अंग्रेजों की दिया हुआ हमारे लिए एक तमगा है। भारत में बाबू नाम बहुत चलता है, बाबू सबको कह देते हैं, जैसे आओ बाबू जी आओ, या और बाबू क्या हाल है, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनको भी बाबू कहते हैं, जो सरकार में नेता होते हैं उनको भी बाबू कहते हैं, बड़ा बाबू छोटा बाबू, यानी जो सबसे बड़ा है सबसे बड़ा बाबू और जो छोटा है छोटा बाबू। यहाँ जो बाबू करैक्टर है वो करैक्टर तब का है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग करते हुए मैं पढ़ता था, उससे पहले मैं बिजनेस करता था अपना, हमारा बिजनेस था अभी भी है, तो दिल्ली में ट्यूशन का बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है। अब बिजनेस वाला दिमाग मेरा था तो मैं पढ़ता था और ट्यूशन भी लेता था। उस समय लगभग आज से 25-30 साल पहले एक घंटा पढ़ाने का 125 रुपये मिलता था, 125 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती थी उस समय, और अगर 2 घंटे पढ़ा दिए किसी के घर जाके तो 250 रुपये हो गए, आपकी पॉकेट मनी बहुत बढ़िया हो गई, खर्चा बहुत कम होता था उस समय, स्कूटर से आना जाना या बाइक से आना जाना, और ऊपर से खातिरदारी अलग होती थी, कॉफ़ी चाय बिस्कुट काजू बादाम, रिच लोग पैसे वाले लोग हैं। ऐसे ही एक पैसे वाले लोग यहाँ वेस्ट दिल्ली के अंदर जो पाकिस्तान से आए हुए, पाकिस्तान जो क्षेत्र है जब भारत में था तब वहाँ से आए हुए, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो जो शातिर और तेज लोग थे, जो जागरूक लोग थे, जो जागे रहते हैं, उन्हें पता था कि भारत पाकिस्तान बंटने वाला है, तो उन्होंने 10 साल पहले से ही सेटलमेंट की यानी विस्थापन की तैयारियां शुरू कर दी थी और वो अपना सामान बेच बाज के बड़े मजे से यहाँ आके स्थापित हो गए। उसी में से एक फैमिली थी, आज की डेट में उसको रिफ्यूजी कह सकते हैं क्योंकि दिल्ली में तो रिफ्यूजियों का बाजार गर्म है, बहुत सारे लोग हैं जो रिफ्यूजी हैं और सारे ही अरबपति हैं क्योंकि सबने ही आके यहाँ बिजनेस किया है, बाद में कुछ सर्विस में भी आ गए और नेतागिरी में भी चले गए, पॉलिटिक्स में भी चले गए, वहां भी उन्होंने अच्छे पैसे कमाए हैं। तो वो फैमिली रिफ्यूजी फैमिली थी, बिजनेसमैन थी, तो लड़का पढ़ता नहीं था, मौज मस्ती वाला था, क्रिकेट वगैरह बहुत खेलता था, तो ट्यूशन ब्यूरो से कॉल आई कि आपको वहाँ ट्यूशन पढ़ाना है, मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ाने गया, तो मैं अपना ट्यूशन पढ़ाता था। वो बाबू बीच में ट्यूशन पढ़ाते समय कॉफ़ी चाय जो डिमांड आपकी है, पिस्ता बादाम जो भी बढ़िया से बढ़िया मिठाई है, क्योंकि वो रिच लोग थे, पैसे की कोई कमी नहीं, तो उनकी मिठाई भी बढ़िया होती थी, दिल्ली की बेस्ट, वो लेके आता था, तो मैं वहाँ चाय नाश्ता वगैरह करता था। वो लड़का कभी कभी आता था, कभी कभी नहीं आता था, मेरा बड़ा प्रिय स्टूडेंट था, बहुत बढ़िया था, हमारे रिलेशन हमेशा स्टूडेंट्स के साथ अच्छे रहे हैं, टीचर वाले और स्टूडेंट वाले कम रहे हैं और एक मेंटर वाले ज़्यादा रहे हैं। तो एक बार मैंने देखा कि बाबू को वो बहुत ज़्यादा रफ तरीके से बोल रहे हैं, बाबू को गाली भी बकते थे, बाबू को जोर जोर से चिल्ला के भी, तो बाबू को इनमिलेट करते थे, यानी कि बाबू को इस तरह से ट्रीट करते थे कि बाबू का कोई अस्तित्व ही नहीं है, बाबू उनका नौकर था, पूरे 24 घंटे का नौकर, उन्हीं के घर में रहता था, सुबह उठता होगा तो सुबह से लेकर रात तक जब तक आखिरी आदमी नहीं सोता होगा तब तक वो काम करता होगा, और जब पहला आदमी उठता होगा तब उसकी सेवा में लग जाता होगा, सारे काम उसके जिम्मे, थक भी जाता होगा, चिड़चिड़ा भी जाता होगा, तो गालियां भी खाता था सारी, चाहे वो औरत है या आदमी है, सब उसको बहुत गंदे तरीके से बुलाते थे, ट्रीट करते थे। मैं उसका व्यवहार देखता था क्योंकि व्यवहार देखने की आदत बचपन से मेरे अंदर पहले से डेवलप हो चुकी थी। तो एक दिन वो लड़का था नहीं जिसको मैं पढ़ा रहा था, बाबू मेरे लिए चाय वगैरह लेके आया, तो मैंने बाबू से कहा कि बाबू तेरे को ये इतना भद्दा भद्दा बोलते हैं, गाली भी देते हैं, और ये तेरे को क्या क्या नहीं बोलते, और तू उनकी सेवा में लगा रहता है, तो तेरे को परेशानी नहीं होती, तेरे अंदर कोई पीड़ा, कोई तेरे अंदर क्षोभ, या तेरे अंदर कोई ईर्ष्या या जलन या बदला लेने का तेरे अंदर कुछ आता नहीं है क्या? मेरी, चूंकि मैं भी एक तरह से उनका नौकर और बाबू भी नौकर, बस इतना फर्क था कि मैं इंटेलेक्चुअल नौकर था क्योंकि मैं पढ़ाई के क्षेत्र में था, तो मेरी एक इज्जत थी क्योंकि मैं गुरु था, तो मुझे आप क्या क्या बोला करते थे वो तमीज से बोलते थे, उनके बच्चे का भविष्य मेरे हाथ में था, और बाबू का भविष्य उनके हाथ में था, तो बाबू का अलग मामला था, उसे तो तू तड़ाक करके बोलना ही है, अब मुझे तू तड़ाक नहीं बोल सकते, मैं तो आप बोलेंगे वरना मैं उनके बच्चे को कहीं का कहीं पहुंचा दूंगा, मैं तो उनका टीचर हूं। ये बात वो जानते थे, सभी जानते हैं। तो बाबू की आंख में थोड़े से आंसू आए और बाबू बोला कि मुझे बहुत परेशानी होती है, ऐसे ऐसे बोलते हैं और मैं अपना काम बड़े सही से करता हूँ और ये मुझे जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। तो मैंने कहा तू यहाँ पड़ा हुआ क्यों है? कह रहा मजबूरी है, मेरे गांव में काम नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत है। तो मैंने कहा तू अपनी इस कड़वाहट को, जलन को कैसे निकालता है?
अब उसकी आंखों के आंसू थोड़े से सूख गए और उसके चेहरे पर थोड़ी सी चमक आई। कह रहा, आप किसे कहेंगे तो नहीं? मैंने कहा, मैं नहीं कहूंगा। कह रहा, मैं इनकी चाय में थूक देता हूं, मैं इनके खाने में थूक देता हूं, मैं जब लेटिन करके आता हूं तो टट्टी के हाथ नहीं धोता, मैं बनाते बनाते अगर मेरा हाथ कहीं गंदगी जगह है तो मैं गंदे से ही बना देता हूं खाना, आटा मैं ऐसे ही हाथों से मार देता हूं। तो मैंने कहा, बाबू अगर किसी ने तुझे पकड़ लिया, कह रहा क्या कर लेंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी, कोई और मिल जाएगी, इन पर काम तो होने से रहा। तो मैंने कहा, जब तू मेरी चाय लाता है तो क्या उसमें भी ऐसे करता है क्या? कह रहा, नहीं, जो चाय मैं आपको देता हूं आपने वही चाय पीनी है, आपने कप नहीं बदलना है, कप बदलोगे तो जिम्मेदारी आपकी, जो आपको पकड़ा दिया वो आपका, बाकी आपने कोई टच नहीं करना है। तो मैंने बड़ा विषम से देखा उसको कि ये तो इसने एक बड़ा सा अजीब सा तरीका निकाला हुआ है। तब वो मुझे समझ में आया कि ये जो जिनको हम दबा कुचला हुआ या जो छोटा या जो गरीब या मजबूर लोग बोलते हैं, ये अपना कहीं ना कहीं बदला ले लेते हैं, खाने में थूक के, चाय में थूक के, या लैट्रिन के हाथ ना धो के, या काम को खराब करके, या पेट्रोल बेच के, या गाड़ी तोड़ के, या गाड़ी का एक्सीडेंट करके, या कोई सामान को, छोटे मोटे सामान को इधर उधर करके, खुदबुद करके, या कहीं काम को बिगाड़ के, मतलब अपने ये मन को उसका बदला ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अशांति अगर आप फैलाओगे तो अशांति आपको रिटर्न में मिलेगी ही, अगर आप गाली दोगे तो गाली का रिटर्न गाली मिलेगा ही, क्योंकि बाबू ने विपस्सना तपस्या साधना नहीं की है, बाबू एक नौकर है, बाबू नहीं जानता, बाबू ये जानता है कि जैसा व्यवहार किया है उसके अंदर वैसा ही आएगा और वो वैसा ही बताएगा, वैसा ही करेगा। तो बाबू जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से अपने मन को ठंडा ठीक कर लेते हैं काम बिगाड़ कर। इसीलिए अगर आप उनसे ईर्ष्या रखेंगे जिनसे काम ले रहे हैं अपने एम्प्लॉय से, तो ये गारंटी है कि वो आपसे उससे ज्यादा बदला ले लेंगे, क्योंकि उनको समझ नहीं है। अगर आप में समझ नहीं है उनसे अच्छा व्यवहार करने की, उनको उनके मेहनत का पैसा देने की, तो उनमें तो बिल्कुल ही समझ नहीं है उनकी, तो समझ का, क्योंकि अगर उनमें समझ होती तो वो आपके नौकर नहीं होते फिर, अगर उनमें समझ होती तो वो आपकी गाली नहीं खा रहे होते। तो इसलिए ये ध्यान रखे, जैसा भगवान बुद्ध ने कहा था कि वैर से वैर शांत नहीं होता, दुश्मनी से दुश्मनी शांत नहीं होती, कटुता से कटुता शांत नहीं होती, कठोरता से कठोरता शांत नहीं होती। अगर आप मिसबिहेव करेंगे, गाली बकेंगे, तो उससे आपको रिटर्न में गाली ही मिलेगी, रूप बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा, आपको ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि बड़े बड़े क्षेत्रों में ऐसा भी देखा गया है कि नौकर कत्ल करके भी चले जाते हैं, लूट के भी चले जाते हैं, वो इसी घृणा का, इसी ईर्ष्या का परिणाम है, जो व्यवहार आप पूरे जीवन उनको देते हैं उस व्यवहार के बदले वो इकट्ठा करके सारा व्यवहार आपको एक दिन दे जाते हैं। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर अशांति का लेवल बढ़ता जा रहा है। इसको शांत करने का एक ही तरीका है कि आप भगवान बुद्ध की विपस्सना करें, साधना करें, और अपने एम्प्लॉय को आदमी समझें, उसको उसका हक दें, उसके परिवार को दें, ताकि वो जितना स्वस्थ रहेगा, जितना पढ़ेगा, जितना अच्छा रहेगा, उतनी अच्छी आपकी सेवा भी करेगा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
अच्छा।